तो गाइस अभी तक हमने देखा था कि एडम एक बार फिर से गेम खेलने की ट्राई करता है और एक बार फिर से प्लेन में आ जाता है और मैक्सिम जैसे उसको मैप दिखाता है तभी वो उस मैप को फिकवा देता है और बोलता है कि अबे हल्के में एरिया दिखे और वो नोबड़े डायरेक्टली जंप कर जाते हैं और जंप करने के बाद वो भीमा शक्ति की सबसे ऊंची वाली चिमनी के ऊपर जा गिरते हैं। और ये देखकर भाई एडम को तो मजा ही आ गया, वो नोबड़ा तो यही चाहता था। और अब तो एडम को किसी बात की टेंशन नहीं होने पर वो नोबड़ा चिमनी पर ही सो जाता है और एडम को सोता हुआ देखकर मैक्सिम को भयंकर गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये नोबड़ा साला गेम खेलने आया या फिर सोने आया। और थोड़ी देर बाद एडम को खर्राटों का साउंड आता है और वो आसपास देखता है तो सामने देखता है कि मैक्सिम जोरदार खर्राटे के साथ सो रहा है। और ये देखकर एडम सोचता है कि ये कुदरा तो साला पहले बहुत उछल रहा था, अब खुद ही खर्राटे ले रहा। और उसी टाइम पे एडम की अचानक नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से मैक्सिम के नाते मारने लगता है और बोलने लगता है कि उठ जा साले जोन आ गया। बट ये नुबड़ा तो कुंभकर्ण का भी भाग था, ये नुबड़ा हिल ही नहीं रहा था। तभी एडम को एक आइडिया आता है और आगे का सीन देखकर तो मजा ही आ जाएगा। गाइस अगर आप चड्डी पहनते हो तो लाइक करो और अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चड्डी नहीं बल्कि पैंपर्स पहनते हो। और इधर एडम ने अपने जूते उतारे और बदबूदार पैर उस नुबड़े को सुंघाने लगता है।